हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंटिक। स्टूडेंट, आज के वीडियो में डिस्कशन करेंगे सोलर पैराबोली डिस्क कलेक्टर के बारे में कि आखिर में सोलर पैराबोली डिस्क कलेक्टर होता क्या है। फिर जानेंगे इसका यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसको उपयोग कहाँ पे करते हैं। फिर जानेंगे इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में इसको कैसे बना जाता है, कौन कौन पार्ट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नहीं आए हुए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों को ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में सोलर पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर होता क्या है। सोलर में होता है एक तरह का सन की लाइट बोल सकते हैं, ठीक है। पैराबोलिक डिस्क मिस करने का मतलब है कर्व आकार की एक बर्तन और कलेक्ट मीन्स किसी चीज़ को एक जगह जमा करना। मतलब सन की लाइट को पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर मतलब कर्व वाली बर्तन के सहयोग से यहाँ पे एक जगह जमा करने की प्रक्रिया को एक तरह का हम लोग क्या बोलेंगे, सोलर पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर कहेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह का इसको क्या बोल सकते हैं, डिवाइस बोल सकते हैं, जो सन की लाइट को एक जगह यहाँ पर कलेक्ट करने का काम करता है, जिसके सहयोग से क्या होती है, गर्म पानी की जाती है सन की लाइट के सहयोग से, ठीक है। आइए इसके बारे में बढ़िया तरीके से डिफिनेशन मैंने यहाँ पे बताई है, आइए बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। ए सोलर पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर इज ए डिवाइस, इट इज ए टाइप ऑफ सोलर कलेक्टर दैट यूजेस ए पैराबोलिक रिफ्लेक्टर टू फोकस सनलाइट ऑन टू ए सेंटर रिसीवर वेयर दिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड कन्वर्ट इन टू हीट। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सोलर पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर एक तरह का डिवाइस होता है, एक तरह का उपकरण होता है, ये एक तरह का सोलर कलेक्टर का टाइप होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, इसका क्या काम आता है, ये एक तरह का ऐसी इसमें यह पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का उपयोग किया जाता है जो सन की लाइट को एक जगह फोकस करता है, जिसको एक तरह का सेंटर रिसीवर कहा जाता है, जो सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके इसके सहयोग से जो भी यहाँ पे लिक्विड को फ्लूड को गुजारते हैं तो उसको गर्म कर देता है, ठीक है। यही चीज मैंने हिंदी में भी यहाँ पे लिख के बताई है कि सोलर पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर एक उपकरण है, यह सोलर कलेक्टर का एक प्रकार है जिसमें पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का उपयोग सूर्य की प्रकाश को सेंटर रिसीवर पर फोकस करता है जो कि सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके हीट ऊर्जा में बदल सके, ठीक है। इसका अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो इसका यूज यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट में इसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे पानी को गर्म करके उसके सहयोग से इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए, ठीक है। आइए समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में ये कैसे बनाया जाता है, कैसे कौन कौन पार्ट के क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ये जो नजर आ रही है इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का पैराबोलिक डिस्क बोला जाता है जो बहुत सारे लगा होता है। अगर रियल व्यू देखिएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएंगे, देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे लगा होता है, ठीक है। कम से कम ये कम हाफ किलोमीटर के डिस्टेंस में लगा होता है। जब छोटा सा पावर प्लांट बनाया जाता है तो इस यहाँ पे पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर का उपयोग करते हैं, वहां पे पानी को गर्म करके एनर्जी को यहाँ पे स्टोर करके आगे की ओर थर्मल पावर प्लांट में भेजने के लिए, ठीक है। अब क्या काम किया जाता है इसको, एक तरह का क्या बोलते हैं, एक तरह पूरी तरीके से इसको सोलर रिफ्लेक्टर डिस्क बोला जाता है। सोलर रिफ्लेक्टर डिस्क जो पूरी तरह से चमकती है, ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे सिल्वर फॉसिल फ्यूल जैसा लगी होती है, मतलब एक तरह आयना ऐसे लगी होती है तो सन की लाइट को ये क्या काम करता है, रिफ्लेक्ट करके रिसीवर तक पहुंचा सके, ठीक है। इसको एक तरह रिसीवर बोलेंगे जो यहाँ पे जब सन की लाइट एब्जॉर्ब करती है तो कम से कम 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है और इसके अंदर जो भी यहाँ पे फ्लूड गुजरती है तो उसको गर्म कर देती है, ठीक है। ये जो नजर आ रही है इसको रिफ्लेक्टर डिस्क बोलेंगे, ठीक है। अब क्या होती है, जस्ट इसके नीचे उपयोग किया जाता है एक यहाँ पे डिस्क एडजस्टर होती है जो इसको एडजस्ट भी कर सके और सन की लाइट को ट्रैक कर सके, मतलब ट्रैकिंग डिवाइस होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए सन की लाइट अगर यहां पड़ रही है तो ऐसे यहां पे घूमी हुई रहेगी, अगर सन की लाइट ऊपर की ओर पड़ेगी तो ये ऊपर की ओर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद यहां पे सपोर्टिंग यहां पे स्ट्रक्चर दी जाती है कि ये बढ़िया तरीके से अपने जगह पर स्थिर रह सके। क्या होती है कि इसको यहां पे ये जो नजर आ रही है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक तरह रिसीवर बोलेंगे, मेन पर्पस पे यही वर्क करती है, यहां पे यही हमारा फ्लूइड को गर्म करके हमारा पानी को भी यही गर्म करती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है इसको एक तरह रिसीवर बोलेंगे, इसके अंदर जिगजैग आकार का ट्यूब लगी होती है जो तरह का सन की लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला एब्जॉर्बर लगा होता है जो जल्दी से एब्जॉर्ब करके हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और इसके अंदर जो भी फ्लूइड जा रही है उसको गर्म कर सके, ठीक है। अब क्या होती है, इसमें दो पाइप लगी होती है, एक होता है इनलेट पाइप, एक होती है आउटलेट पाइप, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, ये जो नजर आ रही है इनलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट मोल्टन साल्ट फ्लूड को इसके सहयोग से गुजारा जाता है, ठीक है। मोल्टन साल्ट जो फ्लूड होती है ऐसी फ्लूड होती है जो बहुत कम यहाँ पे हीट ऊर्जा के सहयोग से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। बहुत खास तरह का एक यहाँ पे फ्लूड होती है, ठीक है, मतलब वर्किंग फ्लूड होती है जो इस यहाँ पे
पूरी यहाँ पे सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है, इस सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसको गर्म करने के लिए। एक ठंडा होती है, ठंडा यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे मोल्टन साल फ्लूड का एक टैंक होती है ठंडा, यहाँ पे पंप यहाँ पे पाइप के सहयोग से यहाँ पे यहाँ पंप तक कनेक्ट कर दिया जाती है और यहाँ से इनलेट के सहयोग से इसके अंदर भेजने का काम करता है, ठीक है। अब क्या होती है, ये आगे की ओर जो दूसरी पाइप होती है इसको आउटलेट पाइप बोला जाता है, जो आगे की ओर चली जाती है और यहाँ पे एक टैंक का इस्तेमाल करता है। ये टैंक को क्या बोलते हैं, हॉट मोल्टन स्टोरेज टैंक बोला जाता है। जो ये मोल्टन सोल्ट यहाँ पे जाती है, एक तरह का जो ठंडा मोल्टन सोल्ट, उसको गर्म करके यहाँ पे स्टोर कर सके और इसका उपयोग हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे कि दिन में तो यहाँ कंटिन्यू सन की लाइट जब पड़ती है तो मोल्टन सोल्ट को जल्दी यहाँ पे अब्जॉर्ब कर देती है सन की लाइट को अब्जॉर्ब करने के बाद, ठीक है। जब रात की अगर बात होती है तो सन की लाइट वहाँ पर नहीं पड़ती है, तो हम इस मोल्टन सोल्ट का उपयोग रात में करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करने के लिए थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। तो इस तरह से मोल्टन सोल्ट का यहाँ पे इस तरह का होती है स्टोरेज टैंक होती है, जो काफी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। अब क्या होती है, यहाँ से एक ठो पाइप निकलती है जो जिगजग आकार की होती है, जो चल जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरह का स्टीम बॉयलर बोलेंगे, जो यहाँ पे स्टीम को जनरेट करती है, एक तरह जनरेटर भी बोल सकते हैं इसको, स्टीम जनरेटर भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का बॉयलर होती है जो पानी को खोलाने का काम करती है, ठीक है। और इसके सही से मोल्टन साल्ट जो होती है जिगजग आकार की ट्यूब लगी होती है जो अंदर की ओर चल जाती है बॉयलर में और वापस यहाँ से एक ठो वही ट्यूब निकल जाती है बाहर की ओर और यहाँ एक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ये टैंक को बोलते हैं कोल्ड मोल्टन स्टोरेज टैंक। जब यहाँ से गर्म हो जाती है और यहाँ पर अपनी जो हीट को दे देती है किसको, यहाँ पर वाटर को दे देती है और वाटर को गर्म कर देती है, तो खुद ठंडा होकर मोल्टन सोल्ट यहाँ पर वापस चल जाती है हमारा इस कोल्ड स्टोरेज टैंक में, ठीक है। यहाँ पर मोल्टन सोल्ट जमा हो जाती है, वापस पंप जब चालू होती है तो यहाँ से खींच के इसको ऐसे भेज देती है। और ये अगर साइकिल में थोड़ी सी भी अगर मोल्टन सोल्ट कम होती है तो ये यहाँ जो नज़र आ रही है मोल्टन सोल्ट फ्लूड टैंक इस सही से खींच ली जाती है, ठीक है, कुछ ऐसा ही काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे बॉयलर का इस्तेमाल करते हैं। बॉयलर से सहयोग से दो यहाँ पाइप निकलती है, ठीक है, पहला होती है इनलेट पाइप और दूसरी होती है आउटलेट पाइप, ठीक है। इनलेट जो पाइप होती है इसके सहयोग से इसके अंदर बॉयलर के अंदर पानी को फिल किया जाता है, वाटर को फिल किया जाता है। पानी को फिल करने के लिए वाटर स्टोरेज टैंक का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ के सहयोग से कूलिंग टावर में जमा होती है, कूलिंग टावर से फिर पंप से खींच के कंडेंसर में भेज दिया जाती है, कंडेंसर से वापस खींच के इसे पंप के सहयोग से इसे बॉयलर में भेजा जाता है, ठीक है। फिर इसको बाद में गर्म कर दी जाती है, ठीक है। इसके ऊपर में एक पाइप निकलती है, ये पाइप चल जाती है हमारा कहाँ, टर्बाइन में चल जाती है, ठीक है। ये एक तरह का टर्बाइन है, स्टीम टर्बाइन बोल सकते हैं, इसकी रोटर है, ठीक है। और यहाँ पे एक नोजल लगी होती है जो टर्बाइन को ब्लेड को स्ट्राइक कर सके, ठीक है। और जैसे इसके आगे जो टर्बाइन के जो रोटर है उसके साथ कनेक्ट होती है शाफ्ट और शाफ्ट कनेक्ट होती है हमारे जनरेटर के साथ, इसको शाफ्ट बोलेंगे। ये हमारा जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है जब शाफ्ट रोटेशन करता है तब, ठीक है, इसको जनरेटर बोलेंगे। और जैसे यहाँ से थ्री फेज यहाँ केबल निकलती है जो चल जाती है हमारे ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर हमारा जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है इसको स्टेप अप कर देती है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देती है आगे की, वो हमारा ट्रांसमिशन टावर को भेज देती है और ट्रांसमिशन टावर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाता है, ठीक है। क्या होती है, ये जो टर्बाइन है यहाँ पर जब इसके स्टीम के सहयोग से जब स्ट्राइक किया जाता है तो वेस्टेज स्टीम को रिसाइकल यूज करने के लिए ये हम साइकिल का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसको पाइप के सहयोग से खींच ले आती है ये गर्म स्टीम को, और वेस्टेज स्टीम रहती है वो उसको कंडेंसर में भेज देती है, और कंडेंसर के सहयोग से गर्म स्टीम को वापस कूलिंग टावर में भेजी जाती है और यहाँ पे कूलिंग टावर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कूलिंग टावर क्या काम करती है, जो स्टीम है उसको कंडेंस करने का काम करती है, मतलब उसको एक तरह का लिक्विड के फॉर्म में काम बदलने का काम करती है, ठीक है। पानी जमा होती है उसको वापस खींच के कंडेंसर में भेज दिया जाती है, ठीक है, और वापस पंप सहयोग से वापस इसको बॉयलर में भेजा जाता है। तो कुछ इस तरह से इसकी बढ़िया तरीके से कंस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। आइए अब समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर कैसे काम करता है, ये चीज को समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि हमारा क्या है सोलर रिफ्लेक्टर डिश, ठीक है, जब इसके ऊपर सन की जो लाइट है कंटिन्यू इसके ऊपर जब गिरती है तो ये क्या काम करती है, लाइट को क्या काम करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये सीधा चली जाती है हमारे रिसीवर के पास, ठीक है। रिसीवर क्या काम करती है, सन की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होती है, जब ये पंप को चालू किया जाता है, पंप जब चालू होती है तो मोल्टन साल्ट को यहाँ पे पंपिंग करता है, पंपिंग करने के बाद इसे यहाँ पे इनलेट पाइप के सहयोग से हमारा भेज देती है रिसीवर को, और रिसीवर में यहाँ पे जो भी यहाँ पे मोल्टन सोल्ट है ठंडा मोल्टन सोल्ट यह घूमती है, ऐसे ऐसे गुजरती है इसके यहाँ पे यह ट्यूब में, और ये ट्यूब क्या होती है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, तो गर्म होने के बाद मोल्टन सोल्ट क्या होती है बहुत ज़्यादा हीट
हीट हो जाती है। जब हीट हो जाती है तो हीट होने के बाद आउटलेट पाइप के सहयोग से आगे की ओर चल जाती है और हमारा हॉट मोल्टेन स्टोरेज टैंक में जमा हो जाती है। और यहाँ क्या होती है, यहाँ के सहयोग से पाइप लगी होती है जो एक तरह का पतली सी पाइप होती है, मतलब ट्यूब जैसी होती है, और ट्यूब में आकार में होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होती है कि नीचे को आती है, और जब आती है तो इसके जो ट्यूब है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा ट्यूब हीट हो जाती है। अब बॉयलर के अंदर हम पहले से क्या काम करते हैं, पानी को फिल कर रखते हैं यहाँ के सहयोग से इस टाइप से प्रोसेस के दौरान, ठीक है। पानी जब यहाँ फिल रहती है तो क्या होती है, जैसे ट्यूब के कॉन्टेक्ट में ये पानी आती है तो पानी यहाँ पर क्या होती है खोलने लगती है, पानी जब खोलती है तो इवापोरेट होकर भाप बन जाती है, स्टीम के फॉर्म में आ जाती है, और ये जो मोल्टेन सॉल्ट है ठंडा होकर आगे की ओर जो पाइप है हमारा चल जाती है कोल्ड स्टोरेज टैंक में, ठीक है। और कोल्ड स्टोरेज टैंक से जब यहाँ पे ये हमारा जो पंप है वापस खींच के इसे वापस ये प्रोसेस में भेज जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पानी क्या होगी बढ़िया तरीके से खोल गया और स्टीम के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। स्टीम के फॉर्म में जब आ जाती है तो हमारा ऊपर की ओर जो पाइप लगी हुई है जो सुपर हीटेड स्टीम को आगे की ओर सप्लाई करती है हमारा टर्बाइन में, और टर्बाइन के ब्लेड के ऊपर स्ट्राइक करती है, और टर्बाइन के यहाँ जो ब्लेड है रोटेशन करती है, तो उसके साथ में ये जो रोटर है रोटेशन करने लगती है, और रोटर के साथ कनेक्ट होता है शाफ्ट, तो शाफ्ट भी रोटेशन करता है, ये जब शाफ्ट कनेक्ट होती है जनरेटर के साथ साथ तो जनरेटर भी रोटेशन करता है और जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है तो थ्री फेज केबल के सहयोग से आगे की ओर ट्रांसफार्मर को भेज देता है, ट्रांसफार्मर स्टेप अप कर देता है, इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रिसिटी को हमारा ट्रांसमिशन टावर को भेज देता है, और ट्रांसमिशन टावर हमारा घर तक इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से पहुंचा देता है, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो हमारा स्टीम जो टर्बाइन है इसके ऊपर जब स्टीम मारी जाती है तो काफी वेस्ट हो जाती है, स्टीम होती है वापस इसे खींच ली जाती है, खींचने वाली इसे कंडेंसर में भेज दी जाती है, और पूरी तरह से हीट होती है और पूरी तरह स्टीम के फॉर्म में होती है, तो वापस इसे कूलिंग टावर में भेजी जाती है, उसे झरना के रूप में नीचे की ओर गिराया जाता है, और ड्रिप इमिटर का उपयोग किया जाता है, जाली लगा होता है, ये जाली क्या काम करती है गर्म स्टीम को वाटर के ड्रॉपलेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके नीचे की ओर स्टोरेज टैंक में जमा कर देती है, ठीक है। और यहाँ के स्टोरेज टैंक के सहयोग से यहाँ पे पानी को खींचा जाता है और यहाँ पे कूलिंग टावर में फिल कर दी जाती है, और ऊपर से भी जो भी यहाँ पे वाटर के फॉर्म में जो स्टीम ड्रॉपलेट होकर यहाँ पे जमा हो जाती है, और पंप के सहयोग से इसे खींच के यहाँ पे कंडेंसर में भेज दी जाती है ठंडी पानी को, और ठंडी पानी को वापस से खींच के पंप के सहयोग से बॉयलर में भेज जाती है, ठीक है। तो कुछ ये प्रक्रिया कुछ ऐसा चलते रहती है, ठीक है। इस तरह से मोल्टेन सॉल्ट यहाँ पे क्या होती है कि ट्यूब के सहयोग से फ्लो होते रहती है, और इसके अंदर जो ठंडा पानी है उसको गर्म करके और खुद मोल्टेन सॉल्ट ठंडा होके अपने नीचे की ओर चल जाती है हमारा कोल्ड स्टोरेज टैंक में, और पानी को यहाँ पे इवापोरेट करके भाप के फॉर्म में करके स्टीम के फॉर्म में करने के बाद उसे टर्बाइन को रोटेशन कराती है, ठीक है। तो इस तरह से सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर यहाँ पे काम करता है, इस तरह से यहाँ पे कर्व आकार की डिश के सहयोग से सन की लाइट को कलेक्ट कर ली जाती है और रिसीवर तक पहुँचा देती है, रिसीवर यहाँ पे 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होकर मोल्टेन सॉल्ट को गर्म कर देती है, फ्लूड को गर्म करके आगे की ओर भेजती है, ये प्रोसेस ऐसे चलती है। इस तरह से पानी को यहाँ पे गर्म करके यहाँ पे टर्बाइन को रोटेशन करा दी जाती है, टर्बाइन के सहयोग से जनरेटर भी इसके साथ रोटेशन करता है, और यहाँ पे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करके हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाता है, ये कंटिन्यू ऐसे ये प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है, साइकिल, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको सोलर पैराबोलिक डिश कलेक्टर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से ये काम करता है। वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नहीं आई मैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए।